नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। जेडीयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा आरजेडी में मची है भगदड़, ढेर हो चुका है महागठबंधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामदेव राय का निधन, सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक, आज गंगा तट पर होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश किया जारी, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के दिए आदेश। केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे राज्य सरकार, राज्य में लॉकडाउन लागू करने के लिए लेना होगा केंद्र से इजाजत। राजद में नहीं होगी रामा सिंह की एंट्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया मना। बिहार में प्रशासनिक सेवा के 94 अधिकारियों का हुआ तबादला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, कोरोना संदिग्धों को बूथ पर टोकन सिस्टम से मिलेगा प्रवेश। बिहार विधानसभा से पहले नीतीश कुमार ने शिक्षकों को दिया तोहफा, सैलरी में की गई 15% की बढ़ोतरी। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व पीए का दावा, कहा सुशांत सिंह नहीं लेते थे ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती ने लगाए गलत आरोप। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कृति ने रिया चक्रवर्ती को दिया करारा जवाब, कहा ईएमआई और महंगे वकील के लिए कहां से आए पैसे। नवगछिया में बीएसएफ जवान की पत्नी समेत एक की गोली मारकर हत्या, बाथरूम से बरामद हुआ शव। दोहरे हत्या से इलाके में फैली सनसनी, नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र अभिया गांव की है घटना। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस, लोगों ने अवैध संबंध को लेकर जताई हत्या की आशंका। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, शनिवार को कोरोना के 69 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में मायागंज अस्पताल में मुंगेर के 2 लोगों की हुई मौत, सेंट्रल जेल कर्मी समेत शहर में मिले 27 नए कोरोना मरीज। मुहर्रम को लेकर भागलपुर पुलिस मुस्तैद, सेंट्रल रेफ के 7 भारी संख्या में पुलिस बलों की गई तैनाती। एक बार फिर देर रात पंखा टोली चौक पर पैकरों ने फिर किया उपद्रव की कोशिश, सेंट्रल रेफ की टीम ने पैकरों को खदेड़ा। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने संवेदनशील चौकों पर मजिस्ट्रेट के 7 पुलिस बलों की तैनाती। बंद पड़े विद्युत शब्दागिरी को शुरू करने के लिए इंजीनियरों की टीम पहुंची भागलपुर, आज शाम तक शब्दागिरी चालू होने की जताई संभावना। 9 हादसों के बावजूद भी सबक नहीं ले रहा है जिला प्रशासन, कोसी और गंगा में धड़ल्ले से जारी है नौ का परिचालन। भागलपुर रेलवे स्टेशन से सितंबर के 2 सप्ताह से चल सकती है 6 ट्रेनें, मालदा डीआरएम ने दिए संकेत। भागलपुर में बनेगा डाकघर का क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कल करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव की रंगदारी मामले में बरारी थाने में प्राथमिकी दर्ज। टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी का वित्त गड़बड़ी का गरमाया मामला, रजिस्ट्रार ने प्रभारी वीसी को लिखा पत्र। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की सख्ती से की जा रही है जांच, बिना मास्क और हेलमेट के घर से नहीं निकले बाहर। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।